गुड इवनिंग एवरीवन। गुड नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में अपन ने क्या बात कर लिया था सर, हमने आखिर में वो जो फोकल लेंथ लेंथ का वाला था फॉर्मूला कर कि लिया। यस सर, मतलब यस सर, लेंस लगभग मेकर काम कर लिया बता दिया था ना, जनरल तरीका उसी को यस बोलते हैं सर। लेंस मेकर फॉर्मूला, सर वन माइनस यू लेकिन आर बाय टू है ना। एक मिनट को हैंग कर रहा, क्या हो गया इसको, जस्ट वेट। विजिबल है क्या ये? यस सर, विजिबल है। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर तीन मीडियम है ना, ये N1, थिन N2, N3, और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ यू डिस्टेंस पे, ठीक, और ये थिकनेस बहुत छोटा है ना, दिस इज वेरी स्मॉल, थिन की बात कर रहे हैं, तो जो वी बनने वाला है इसमें है ना, तो ये क्या था, N3/V माइनस एन वन बाई माइनस यू एन इज इक्वल टू पावर ऑफ द पावर ऑफ होल सर सिग्मा। है ना, यहाँ से यहाँ चलेंगे, पावर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, ध्यान से सुनना, मान लो कोई लेंस में ले रहा हूं, जैसे ये दिखने में ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स है ना, मान लो ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2, ठीक, दोनों सराउंडिंग मीडियम म्यू एस में रखा हुआ, किस में रखा हुआ, म्यू एस में रखा हुआ, म्यू इज द लेंथ, म्यू एल इज द लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यस और नो। अब अगर मान लो मैं यहां से यहां चलता हूँ है ना, ऐसे चलता हूँ, ठीक, चाहे मैं इधर से इधर चलू, चाहे मैं इधर से इधर चलू, पावर तो एक ही होगा, हाँ है ना, बोलो ना, यस सर। कि कहीं से भी चलू यस पावर सर। एक ही आने वाला, तो आपको पता है कि क्या आने वाला, ध्यान से बताओ, अगर मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दे तो ये हो जाएगा यू है ना, और यहाँ कुछ इमेज बनेगा मान लेते हैं वी, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे बताना, तो कहाँ से चले, म्यू एस वी माइनस म्यू एस बाय यू, यही ना, इज इक्वल टू, अब यहां से यहां बताओ टोटल पावर क्या होगा, म्यू एल माइनस म्यू एस बाई R1, यस और नो, R1 प्लस म्यू एस माइनस म्यू एल बाई माइनस माइनस R2 R2, यस और नो। अब अगर ध्यान से देखोगे तो म्यू एस यहाँ से कॉमन निकले, ये बनेगा 1/V माइनस 1/U, ये तब कर सकते थे जब दोनों मीडियम क्या रखा हमने, सेम रखा, यस और नो। और यहाँ से कॉमन क्या आएगा, आपको देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आ जाए क्या आएगा बताओ, अगर न्यू एल मान लो, हाँ माइनस न्यू एस मान लो मैंने यहाँ पे ना अभी साइन पुट नहीं किया, क्या नहीं पुट किया, साइन जनरल मैं यूज करना चाह रहा हूँ, क्या मैं यूज करना चाह रहा हूँ जनरल, तो क्या मैं लिखूंगा, म्यू एल माइनस म्यू एस, मैंने साइन कहीं नहीं पुट किया, ठीक है, तो ये देखो R2 को मैंने R2 ही रखा है, माइनस R2 नहीं रखा है, ताकि मैं जनरल फॉर्मूला बना सकूं, ये 1/R1 माइनस 1/R2 आ जाएगा, याद है, आ जाएगा ना, ऐसा कॉमन निकलेगा ना यहाँ से माइनस, यस सर। ठीक। अब ये चीज यहाँ चला जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा वन है ना, और ये हो जाएगा म्यू एस, ठीक है, इसी को आप देखते हो लेंस मेकर फॉर्मूले के नाम से लिखा जाता है, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 इनटू 1/R1 माइनस 1/R2, क्या हमें ये जानने का जरूरत है क्या, हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना बेसिक से, नो सर। इसी को लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं 1/F, क्या बोलते हैं, 1/F, समझ में आ रहा है क्या, ये वैल्यू ही तो 1/F के बराबर होता है, दिस इज द फोकल लेंथ, बट ये हर जगह वैलिड नहीं है, ये यस वहां वैलिड है जब लेंस के सराउंड में क्या सेम हो, सराउंडिंग मीडियम सेम हो, तभी अप्लाई कर सकते हो, यस और नो, है ना, अगर सराउंडिंग मीडियम सेम नहीं होगा चाहे कैसा भी से केस हो, ये तो हमें अप्लाई करने आता है ना, ये वाला फॉर्मूला, इसे सारा सवाल हो जाएगा, बोलो, कॉम्बिनेशन का पावर भी निकलवाना लिखाना सिखा दिया था पिछले क्लास में, अरे यस सर। हाँ या ना, ठीक है, ये बातें हमने पिछले क्लास में बताएं कर ली थी,
सर एक चीज पूछनी है इसमें सर, बोलो बोलो बोलो। माइनस साइन भी लगेगा ना आर टू के सामने की प्लस हो जाए? देखो मैंने यहाँ पे साइन नहीं रखा आर टू का, ताकि मैं जनरल यूज कर सकूं। अगर मैं साइन रख दूंगा तो स्पेसिफिक हो जाएगा ना, इसलिए मैंने साइन नहीं पुट किया। समझ गया। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बनता है, ये जो फॉर्मूला बनता है फोकल लेंथ का, ये साइन के साथ सब कुछ पुट करना है ना। आर वन यहाँ पे क्या है, आर वन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसपे पहले ही रे गिर रही है, अगर मैं इसकी बात करूं तो बना तो इसी से, समझ में आ रहा है क्या? आर वन पे पहले रे गिर रहा, समझ में आ रहा है क्या? और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा पॉजिटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा नेगेटिव। बोलो और बात करने का जरूरत है क्या? ये सब बातें हमने पिछले क्लास में कर ली थी, और पावर ऑफ लेंस के बारे में बात कर लिया था, यस और नो, और कॉम्बिनेशन का कैसे पावर लिखना, फोकल लेंथ निकालना, ये भी बात कर लिया था। बोलो इसमें किसी को डाउट है? आगे बढ़े नो सर। सर हाँ बोलो सर, अगर कॉम्बिनेशन की पावर और फोकस निकालनी होती है लेकिन उनके बीच में अगर डिस्टेंस देते हैं तो सर दिक्कत हो रही थी समझने में। डिस्टेंस वाला नहीं देगा आपको, डिस्टेंस वाला सवाल नहीं आएगा। ओके सर, तीन लेंस वाला आएगा, ठीक है, जिसमें डिस्टेंस ना हो। ठीक, आगे बढ़े। चलो आज हम लोग को बात करना प्रिज्म, किसकी बात करना है? प्रिज्म, प्रिज्म की। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है ध्यान से सुनो। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें जो जिस दो सरफेस, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो दोनों इंक्लाइंड होता है। क्या होता है? वो दोनों इंक्लाइंड होता है, यस और नो? जिस दो सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा वो दोनों क्या होगा, इंक्लाइंड होगा। जैसे मान लो एक रे यहां से आई और यहाँ हिट की, यस और नो? तो आफ्टर हिटिंग क्या होगा, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये थोड़ा बेंड करेगी टुवर्ड द नॉर्मल, कुछ ऐसा जाएगा, यस और नो? और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इमर्जेंट। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। यस, एंड दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। जो दो सरफेस रिफ्रैक्शन में काम हो रहा है उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म इज नथिंग बट अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर इंक्लाइंड टू इच अदर। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? बोलो। यस सर। अब ध्यान से सुनना, प्रिज्म ये जैसे मान लो एयर में रखा हुआ, मान लो एयर में रखा हुआ, दोनों तरफ एयर है, यस और नो? तो दोनों तरफ एयर, तो हमेशा याद रखना जब, और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ज्यादा हो एयर से तो हमेशा जो इमर्जेंट रे होगा ना वो किसके तरफ बेंड करेगी, टुवर्ड द बेस, टुवर्ड द बेस। क्लियर है? अरे बोलो। इमर्जेंट रे हमेशा किधर बेंड करेगी, टुवर्ड द बेस। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ध्यान से, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? आई को बोलते इंसिडेंट रे, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और ए एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ई इमर्जेंट रे हो गया। बोलो, कोई दिक्कत किसी को भी? अरे हाँ या ना, बोलो ना। नो सर, नहीं है सर। ठीक है, अब मान लो कोई एक प्रिज्म आपको दिया हुआ, कोई एक प्रिज्म आपको दिया हुआ ऐसा, ध्यान से सुनना, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। अब मान लो कोई रे आई, आई पे इंसिडेंट की, कितने पे इंसिडेंट की, आई पे, और एयर में रखा हो मान लो दोनों तरफ, तो आई एंगल इंसिडेंट की है तो ये कुछ आर पे जाएगा। अरे हाँ है ना, कुछ ऐसा जाएगा, नहीं जाएगा। और इसका मान लेते हैं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो क्या मैं पहला फॉर्मूला लिख सकता हूँ, वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर है? बोलो। अब देखो, ये मान लेते ये रेडियस है, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस आर वन, अब यहाँ आएगा मान लेते एंगल ऑफ इंसिडेंस है आर टू, ठीक, और ये जाएगा ई पे इमर्जेंट एंगल। अरे हाँ है ना, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू इंटू साइन आर टू इज इक्वल टू वन इंटू साइन ई। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अरे हाँ है ना। नो सर। अरे बोलो। अब अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, क्लियर है ना यहाँ तक? स्नेल्स लॉ लगाया दोनों सरफेस पे, कुछ नया बात नहीं कर रहा। yes, कई yes, बार sir, का सवाल स्नेल्स लॉ से सॉल्व हो जाएगा, कई बार प्रिज्म का सवाल किससे सॉल्व हो जाएगा, स्नेल्स लॉ से सॉल्व हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हर जगह, हाँ ना, जरूरी नहीं कि हर जगह आपको ये लगाना पड़े। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? प्रिज्म का इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा, अब अगर ध्यान से देखोगे, अब अगर ध्यान से देखोगे तो एक चीज तुम बोल सकते हो, सर अगर ये R1 है तो ये कितना होगा, 90 माइनस R1, और ये कितना होगा, 90 माइनस R2।
और तीनों ट्राइंगल बन रहा है, दिख रहा ऊपर, तो आप लिख सकते हो 90 माइनस आर वन प्लस 90 माइनस आर टू प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, तो 90 90 180 कैंसिल हो गया, तो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा हमेशा आर वन प्लस आर टू के बराबर, ये जो दो अंदर बना ना एंगल, इन दोनों के सम के बराबर हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म आएगा, ये पहला इक्वेशन है जो काम का है, समझ में आ रहा है क्या, बोलो प्रिज्म आर वन प्लस आर टू के बराबर होगा, बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है, क्लियर, यस यस सर, आगे बढ़े, बोलो किसी को कोई डाउट, अब यहाँ पे बात किया था एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में, एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म, ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ डेविएशन की बात की जाती है ड्यू टू प्रिज्म, अब अगर ध्यान से तुम सोचोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता वो क्या होता, देखो इधर डायग्राम देखो, मान लो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक, एक रे इंसिडेंट की ऐसे, ठीक, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक, ये हो गया आर वन, ये हो गया आर टू, और ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक, बोलो क्लियर है यहां तक, अब देखो अगर प्रिज्म नहीं होता तो जो रे आ रही थी क्या वो ऐसे जाती, यस सर, यस सर, वैसे गई कैसे, ऐसे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इतना एंगल डेविएशन हुआ डेल्टा, अरे हाँ ना, अब अगर इतना एंगल डेविएशन हुआ तो हमें डेल्टा लिखने आ चाहिए, दिस डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, समझ में आया क्या, किसी को कोई दिक्कत, अब इस डेल्टा का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो इस ट्राइंगल को देखो, सी दिस ट्राइंगल, ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को, देखो ये लाइन और ये लाइन, पूरा एंगल कितना है ये आई है, yes, sir. ये एंगल कितना हो गया आई माइनस आर वन हो गया, बोलो होगा ना, yes, ये अंदर वाला एंगल, वैसे देखो ये पूरा एंगल और ये लाइन कितना, पूरा ई है, तो ये कितना हो गया ई माइनस आर टू हो गया, अरे हाँ है ना, बोलो ना, तो ये जो ये इस डेल्टा जो एक्सटीरियर एंगल है, तो डेल्टा हो जाएगा आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, तो फाइनली डेल्टा का वैल्यू क्या आने वाला, आई प्लस ई माइनस ई माइनस ए, हमेशा याद रखना एंगल ऑफ डेविएशन आप निकाल सकते हो अगर आपको आई भी बताओ ई भी बताओ और ए भी बताओ, आर वन आर टू बताओ, समझ में आ रहा है क्या, yes, बोलो ठीक है, yeah. ठीक बोलो, yes, sir. Yes, sir. अब अगर सोच के देखोगे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसका फंक्शन है, एंगल ऑफ प्रिज्म तो फिक्स है, एंगल ऑफ प्रिज्म तो फिक्स है, तो अगर हम आई चेंज करेंगे तो क्या ई चेंज होगा, यस सर, और ई चेंज होगा बिकॉज आई चेंज होगा, तो क्या डेल्टा इज सोली फंक्शन ऑफ आई, यस सर, और जब आई चेंज करोगे तभी तो ई चेंज होगा, अरे हाँ है ना, आई पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, बोलो, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, अरे हाँ है ना, बोलो क्लियर है ना, तो अगर मान लो कोई प्रिज्म गिवन प्रिज्म है उसमें अगर मैं आई चेंज करूंगा तो ई भी चेंज होगा, होगा या नहीं होगा, तो पहली बात है ई आई पे डिपेंड करेगा और डेल्टा कंप्लीटली ई और आई पे डिपेंड कर रहा, मतलब एग्जैक्टली वो आई पे ही डिपेंड कर रहा क्योंकि ए तो फिक्स है और ई आई पे डिपेंड कर रहा, तो सोली डेल्टा इज डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, बताओ कोई दिक्कत वाली बात है, अरे हाँ है ना, नो सर, तो जब इसका ग्राफ प्लॉट किया गया एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट रे का, तो प्रैक्टिकली जब ये ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये देखा गया एक ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, समझ में आया, ये ग्राफ जब हमने आई को बढ़ाया एक पर्टिकुलर वैल्यू से तो डेल्टा मैक्सिमम था, उसके बाद डेल्टा घटता गया, एक पर्टिकुलर ऐसा डेविएशन इंसिडेंट रे आएगा जहां पे आई का वैल्यू ई के बराबर होगा और वहां पे डेल्टा क्या होगा,
मिनिमम होगा, उस एंगल पे डेल्टा क्या होगा, मिनिमम होगा, उसके बाद फिर डेल्टा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? जैसे जैसे आप आई चेंज करते जाओगे, क्लियर है? एंड दिस इज अ डेविएशन एंगल, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, समझ में आ रहा है? और जहां पे डेल्टा मिनिमम है वहां पे आई और ई के आपस में इक्वल है, बोलो समझ में है? ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ना, ये एक्सपेरिमेंटली डेटा के साथ प्लॉट किया गया। आगे बढ़े? यस सर। क्या हमें और बात करना चाहिए इसमें, आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक। अब अगर मैं मिनिमम एंगल डेविएशन की बात करूं, किसकी बात करूं, मिनिमम एंगल डेविएशन की बात करूं, ध्यान से सुनना, तो फॉर डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम क्या होना चाहिए, आई और ई बराबर होना चाहिए, यस नो? अब अगर ध्यान से तुम याद करोगे पहला इक्वेशन क्या लिखा था हमने, 1 into sin i = याद है, म्यू इंटू साइन आर वन, अरे हाँ है ना? Yes, और दूसरा क्या लिखा था, 1 into sin e = μ into sin r2। अब अगर i और e बराबर है तो ये दोनों बराबर हो गए, तो यानी r1 = r2 हो गया। r1 r2 बराबर हो गया, इसका मतलब that is equal to a by 2, यानी जब मिनिमम डेविएशन होगा तो r1 और r2 बराबर होगा और एंगल ऑफ प्रेजेंस का हाफ होगा, अरे हाँ है ना? बोलो तो डेल्टा मिनिमम क्या आएगा, तो डेल्टा किसी टाइम टी पे होता है, आई प्लस ई माइनस ए, यही होता है। तो फॉर डेल्टा मिनिमम एट द टाइम ऑफ मिनिमम आई और ई बराबर हो गया, दैट इज 2i - a, अरे हाँ है ना? तो आई का वैल्यू कितना आया, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, बोलो क्लियर है? यस सर। तो एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन, एट डेल्टा मिनिमम क्या मैं ये लगा सकता हूँ, 1 into sin i = μ into sin r1, और r1 का वैल्यू क्या है, a by 2, अरे बोलो। तो अगर ध्यान से देखोगे तो म्यू का वैल्यू क्या आएगा, sin i by sin a by 2, और i क्या है, what is i, sin of delta minimum plus a by 2, ये है ना, upon sin a by 2, ये फॉर्मूला बहुत स्टैंडर्ड है, आपने कई बार देखा होगा बुक में, बट ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम का नहीं है, बोर्ड्स में काम आता बट बहुत ज्यादा काम का नहीं है। आप इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका निकाल सकते हो, मीडियम का, मतलब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, ठीक है? बोलो, अरे हाँ है ना, बोलो। ये बात, जब सराउंडिंग एयर था, अगर सराउंडिंग कोई दूसरा होगा तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग is equal to sine of delta minimum plus a by 2 upon sine of a by 2. Clear? But ये बहुत ज्यादा काम आने वाला नहीं है, क्लियर? ठीक। जैसे मान लो मैं आपको एक सवाल दूं, ध्यान से सुनना, मान लो एक सवाल दे रहा हूं, मान लो एक प्रिज्म है ऐसा, ठीक, एक रे इंसिडेंट की यहां से, मान लो कुछ ऐसा इंसिडेंट की, ये एंगल था सपोज करो 45 डिग्री पे, ठीक, तो आपसे बोला फाइंड द टोटल डेविएशन, और प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया हुआ आपको 3, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ डेविएशन बताइए। जल्दी बताओ फटाफट,
पूछा पे था आपने कितना ना सर, पूछा कहते हैं, ये पूछ रहा हूँ सर। एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा हूँ इस रे का, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे का। ठीक है सर, सर 45 डिग्री, कितना आ रहा बताओ एंगल ऑफ डिविजन। सर 45 आएगा। चलो चेक करते हैं फटाफट, बाकी लोग कर लिए क्या? एक सेकंड, सबने ट्राई कर लिया क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? सर मेरा 90 आ रहा। चलो देख लेते हैं एंगल ऑफ डिविजन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो रे, ऐसे इंसिडेंट की तो क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? ये 45 है तो ये 45 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, 45 तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमको निकालना पड़ेगा? मान लेते हैं आर है, अरे हाँ है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आर मान लेना, अरे बोलो ना, यस सर। तो आर का वैल्यू क्या होगा? 1 into sin 45 इज इक्वल टू 3 into sin r, अरे हाँ है ना, बोलो ना, क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा बताना, 1/√2 into 3 sin r का वैल्यू आएगा, सर वन बोलो, बाय थ्री रूट टू आएगा। सॉरी यस साइन आर का वैल्यू आएगा 1/√2। कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? यस अरे हाँ, सर। अब ये अगर आ रहा है, सोच के देखो, ये ऐसे गया तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री, यस सर। ये भी तो 45 डिग्री है। अब ये अगर आ रहा है तो ये कितना बचा, तो ये बचा 90 माइनस r, 45 r का वैल्यू होगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, है ना? एग्जैक्ट एंगल नहीं आ रहा, ठीक है, क्या ये यहाँ इंसिडेंट करे, ये एंगल पता, तो ये भी पता है, अरे बोलो ना, ये भी यस पता सर, चल जाएगा ना, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट पता यस चल जाएगा, सर, यहाँ से ई पता चल जाएगा, जैसे ई पता यस चल सर, गया, आई पता चल गया, डेल्टा निकल जाएगा, आई प्लस ई माइनस ए, ए कितना है यहाँ पे, π/4 ए 5 ऊपर, 45 डिग्री। बट यहाँ पे डेटा एग्जैक्ट नहीं आएगा, डेटा हो सकता है ऐसा दे दे आपको। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाया हमने कोई, यहाँ पे हमने स्नेल्स लॉ से किया, कई बार प्रिंस का सवाल डायरेक्ट स्नेल्स लॉ से होगा, मेंस में तो खासकर ये बात ध्यान रखना, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो सर ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया था, पर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का था, प्रिज्म का ही था। हाँ, TIR भी हो सकता है, कई बार TIR हो सकता है, जब देखना डेंसर से रेयरर जाएगा तो वहां पे TIR होने का चांसेस होता है, ठीक है, बोलो आगे यस बढ़े, सर। और बात करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थिन प्रिज्म, एक मिनट रुकना, एक सेकंड, नेक्स्ट अपन बात करेंगे थिन प्रिज्म, रुको एक मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको,
ट्रायंगल में फिर एंगल ऑफ जो ट्रायंगल होता है हाँ बोलो। सर, प्रिज्म के केस में जो हम एंगल ऑफ ट्रायंगल लेते हैं, अगर हमें ट्रायंगल के तीन कोने दे रखे तो फिर एंगल ऑफ ट्रायंगल किसे मानना है, ये किसे मानना है? वही तो मैंने बोला ना, एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म उसी को बोलोगे तुम। एक सेकंड, जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जिससे रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, जैसे मान लो, ठीक रहा ये, मान लो ये प्रिज्म है, तो और इससे इंसिडेंट रे ऐसे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट की और ऐसे चली गई, तो ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आ रहा? जिस दो सर सरफेस से रिफ्रैक्शन है उसके बीच का एंगल, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग डालो, थिन प्रिज्म। प्रिज्म कौन सा प्रिज्म? थिन प्रिज्म, ऐसा प्रिज्म जिसका ए बहुत छोटा हो। कितना छोटा? तो 5 डिग्री से कम या बराबर, कई बुक में 10 डिग्री देता, ठीक है। ऐसा प्रिज्म जिसका ए बहुत छोटा होता है, इसको बोलते हैं थिन प्रिज्म, ठीक। अब अगर थिन प्रिज्म होगा ना, ध्यान से सुनना, जब थिन प्रिज्म होगा, ए बहुत छोटा होता है, तो ऑलमोस्ट ये पैरेलल नहीं हो गया? सोचो ना, पैरेलल होगा नहीं बट इंक्लाइंड होगा, बट ए बहुत छोटा है। अरे हाँ है ना, बोलो ना, यस समझ सर में आ रहा? अब अगर ए बहुत छोटा होता है, तो ध्यान से सुनना, ए बहुत छोटा होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, ठीक। तो तुम एक चीज बोल सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आएगा सरफेस पे, दे आर वेरी स्मॉल, I1 E1 सब सब छोटा हो जाता है, ठीक है। और जो डेल्टा होता है ना, डेविएशन जो आता है इस केस में, ये जो रे ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे, दिस डेविएशन इज इंडिपेंडेंट, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट आता है। क्या आता है? ये कॉन्स्टेंट आता है, इंडिपेंडेंट ऑफ आई आता है फॉर थिन प्रिज्म। ये आई पे डिपेंड बहुत ज्यादा नहीं करता। नहीं करता, क्योंकि आई बहुत छोटा होता है इसका। नहीं जो अगर तुम आई चेंज भी करोगे तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन चेंज नहीं होगा। क्लियर है क्या? यस सर बोलो, समझ में आ रहा है क्या? और अगर सोचो एंगल ऑफ, और इसमें डेल्टा भी कम आता है, बहुत छोटा आता है, ठीक है। जब एंगल ए बहुत छोटा होगा, थिन प्रिज्म होगा, तो डेविएशन भी बहुत छोटा होगा, आई भी बहुत छोटा होगा, आर भी बहुत छोटा होगा। क्लियर है बात? बोलो, यस सर ऑल द एंगल आर वेरी स्मॉल, ठीक। यस अब अगर ऑल द एंगल आर वेरी स्मॉल, तो तुम ध्यान से देखो, हमने एक चीज लिखा था, क्या लिखा पे हमने लिखा था, 1 into sin I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, ये लिखा था ना? अरे हाँ है ना। तो अगर I और R1 बहुत छोटा है, तो इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू म्यू R1, अरे हाँ है ना, यस और E सर इज इक्वल टू म्यू R2। क्लियर है? यस सर I इक्वल टू म्यू R1, E इक्वल टू म्यू R2, यस नो? तो डेल्टा क्या बन जाएगा? डेल्टा बन जाएगा I प्लस E माइनस A, अरे हाँ है ना? बोलो, यस तो सर अगर तुम ध्यान से देखो, आई और ई करोगे तो ये बन जाएगा म्यू इंटू ए माइनस ए, डेल्टा का वैल्यू आएगा म्यू माइनस 1 into a, यानी जो डेविएशन आएगा ना वो कांस्टेंट आएगा और वो हमेशा इतना आएगा, वो आई पे डिपेंड नहीं करने वाला। जो डेविएशन आएगा ना, टोटल डेविएशन, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 into a, सिर्फ एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा और किसी पे डिपेंड नहीं करने वाला। समझ में यस सर आया? तो इन केस ऑफ थिन प्रिज्म ये कितना हो जाएगा? म्यू माइनस 1 into a, और खास करके आप ज्यादातर यही यूज करोगे, ज्यादातर आप यही यूज करोगे। क्लियर है? सर, मैं थिन प्रिज्म तो में मान के इन, चलना। हाँ, ज्यादातर केसेस में आपको थिन प्रिज्म दिया रहेगा, क्योंकि इसमें देखो एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्ट निकालना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जहां पे नहीं बताया, मान लो 30 डिग्री का एंगल दे दे, तब तो वो थिन प्रिज्म नहीं है। लेकिन ज्यादातर केसेस में जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ना, डिस्पर्सन उस्पर्सन में, तो हम प्रिज्म लेते हैं थिन प्रिज्म, ठीक है, ताकि हम आराम से एंगल ऑफ डेविएशन लिख सके। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस यस तो सर इन केस ऑफ थिन प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन ओनली डिपेंड ऑन एंगल ऑफ द प्रिज्म, नथिंग एल्स, एंड म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो डेल्टा आने वाला, दैट इज म्यू माइनस 1 into a। और ध्यान रखना, जो रे आएगी है ना, वो हमेशा इमरजेंट के टाइम में किसके तरफ टेंड करेगी? बेस के तरफ मुड़ेगी। क्लियर है? बाहर एयर हो या फिर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, म्यू से कम होना चाहिए, बस इतनी ही बात ध्यान रखना, और ज्यादा बात ध्यान रखने का जरूरत नहीं है। बोलो, क्लियर है? यस सर योग्य डेविएशन, ठीक। अब सर जैसे जैसे मैं एक सवाल दे, पूछा
हाँ अब देखो, इसका जो डेल्टा और आई के साथ क्या रिलेशन होता बता चुका हूँ, और तीन प्रिज्म, डेल्टा इज कांस्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू दिस, आई पे डिपेंड नहीं करता। बताओ इसमें और बात करने का जरूरत है क्या? नो अरे सर। बोल लो। जैसे मान लो मैं दो सवाल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास दो प्रिज्म है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, एंगल है ए वन, दोनों को ऐसे रखा गया, ठीक। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन ए वन, एक का ए टू म्यू टू, एक रे आ रही थी, ठीक। कैसे आ रही थी? तो ऐसे आ रही थी, मान लो कैसे भी आ रही थी, सपोज करो ऐसे आ रही थी। तो आपसे पूछा फाइंड द टोटल डेविएशन ऑफ द इमर्जेंट रे, टोटल डेविएशन बताना इस रे का। सर थिन प्रिज्म है, हाँ, तीन प्रिज्म। ये थिन प्रिज्म है, फाइंड टोटल माइनस डिवीजन। ए प्लस म्यू म्यू टू माइनस वन ए टू। सभी लोग निकालो फटाफट। हो गया सर, बताऊं? हो गया सबका डन है। अच्छा डेविएशन बढ़ेगा घटेगा ये बताओ, पहला डेविएशन कितना आएगा? म्यू वन माइनस -1 ए टू वन, ए दूसरा वन डेविएशन म्यू टू माइनस वन इंटू ए टू। अरे हाँ ना, तो नेट डेविएशन क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में आने वाला है, फाइनल रे यस ऐसे सर। जाएगा, ये सुनो। तो जो नेट डेविएशन होगा वो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, डेल्टा समझ में डेल्टा आया क्या? डेल्टा वन यस सर। प्लस डेल्टा टू। अब इसमें एक और सवाल देखो, अगेन दो प्रिज्म को ऐसा रखा हुआ, दो प्रिज्म है, प्रिज्म वन, ठीक, प्रिज्म वन है, उसमें म्यू वन है ए वन है, और प्रिज्म टू है उसमें म्यू टू और ए टू है। तो आपसे बोला व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू वन ए वन एंड म्यू टू ए टू सच दैट द एवरेज डेविएशन इज जीरो। एवरेज डेविएशन इज जीरो, नो डेविएशन होना चाहिए, जो रे आएगी वो बिना डेविएट किए जाने चाहिए। तो बताओ कैसे रखेंगे प्रिज्म को और कितना होना चाहिए इन दोनों के बीच का रिलेशन? सर एक को उल्टा रखेंगे। हाँ तो कितना आएगा बताओ, क्या रिलेशन आएगा? क्या बताया? मैंने ये बोला है कि प्रिज्म वन प्रिज्म टू म्यू वन, ये रिलेशन दिया म्यू वन ए वन म्यू टू ए टू। आपको बोला है कि एवरेज डेविएशन रे का जीरो आना चाहिए। ओके हाँ, आपसे पूछा कैसे रखोगे? सर, एक को उल्टा करके रख देंगे और दोनों की डेविएशंस को इक्वल रख यस देंगे। सर, क्या रिलेशन आना चाहिए बताओ? n1 - 1 into a1 is equals to n2 - 1 into a2। अगर एवरेज डेविएशन जीरो आना म्यू चाहिए वन इसका माइनस मतलब इसको वन ऐसे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ऐसा आएगा। देखो इधर देखो डायग्राम, ये यस बनेगा, सर। ये वह ए वन, ये वह म्यू वन, ये वह ए टू, ये वह म्यू टू। तो ये आना चाहिए, इससे जो डेविएशन आएगा उसको नलीफाई ये करेगा, यस और नो? ये क्या होगा रे ऐसे आएगी, इसकी वजह से इधर डेविएट करेगी, फिर ये इसको ऊपर उठाएगा, यस और नो? और फाइनली रे ऐसे जाएगी बिना डेविएट के, यस और नो? तो अगर मैं यस सर। ध्यान से देखो तो म्यू वन माइनस वन इंटू ए वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन इंटू ए टू, ये रिलेशन होना चाहिए। समझ में आया कि यस एवरेज सर। डेविएशन जीरो होना चाहिए, ठीक है? यस बोलो और बात करने का जरूरत है क्या? नो सर। नो सर। नहीं है, बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, ये सब सवाल आता है बेसिक बेसिक, ठीक। आगे बढ़े, A1 A2 तो बराबर हो गया ना ऐसे तो कहाँ बराबर हो गया? म्यू वन म्यू टू बराबर थोड़ी है, ए वन ए टू बराबर आ जाएगा, क्या सर, वो जेड बन रहा है ना। बन रहा है बोलो? ए वन ए सर टू वो कैसे बराबर है, एंगल बराबर जाएगा ना, वो एंगल क्यों बराबर हो जाएगा? बराबर हो जाएगा क्या, ऐसा जरूरी है क्या ए वन ए टू? अरे बोलो,
नहीं सर जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ना। वो डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रहा था मैं, वो जेड बन जाएगा ना। अच्छा ये पैरेलल सोच करके, ये दोनों पैरेलल दिख रहा है तुमको, ये पैरेलल नहीं होंगे, जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो। अरे बोलो यस सर, ओके। यस आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो डिस्पर्शन। डिस्पर्शन ठीक है, क्या होता है डिस्पर्शन, किसी को पता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। क्या नहीं होता है कोई जानता है डिस्पर्सन? लाइट मतलब अलग अलग रंग की मतलब दिखने लगती है लाइट अलग अलग रंग की दिखने लगती है, सर, वो इसको हम लोग अलग अलग डिस्पर्सन। अलग अलग लेंथ की होती है प्रिज्म लिखो अलग अलग। फिनो, लिख लो द फिनोमिना ऑफ लाइट, लिखो द फिनोमिना ऑफ लाइट व्हाइट, द फिनोमिना ऑफ व्हाइट लाइट इन विच व्हाइट लाइट ब्रेक्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर व्हेन एंटर इन अ मीडियम, व्हेन एंटर इन अ मीडियम। व्हेन एंटर इन अ मीडियम, क्लियर है? इज कॉल्ड डिस्पर्सन। अब डिस्पर्सन होता क्या पहले ये समझो, और डिस्पर्सन सबसे ज्यादा किसमें दिखता है? तो प्रिज्म में दिखता है। डिस्पर्सन का फिनोमिना सबसे अच्छा किसमें दिखता है? प्रिज्म में दिखता है, यस और नो? इसीलिए आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में डिस्पर्सन का फिनोमिना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होता क्या है ध्यान से सुनना, जब कोई व्हाइट लाइट, एक्चुअली में पहले होता क्यों, व्हाइट डिस्पर्सन इज टेक प्लेस है ना, यानी ब्रेकिंग ऑफ लाइट, ब्रेकिंग ऑफ व्हाइट लाइट व्हाइट का स्पेलिंग क्या होगा बताओ, द व्हाइट का स्पेलिंग क्या होगा? WHIT हाँ WHIT, व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? डिस्पर्सन होता क्या पहले ये समझना है, व्हाई डिस्पर्सन इज टेक प्लेस। देखो हम लोग एक बात जानते हैं कि मैंने एक चीज आपको शुरुआत में बताया था कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जैसे मान लो एयर से लाइट है ना किसी मीडियम में आ रही, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था याद है? एब्सोल्यूट सी नॉट बाई सी एम होता था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यही होता था ना? अरे हाँ या ना? यस सर, बोलो। लेकिन आगे चल के हमें ये पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज आल्सो डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि कौन सा लाइट वेवलेंथ किस कलर का लाइट एंटर कर रहा है, इस बात पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक? व्हाई कॉची ने ये बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज आल्सो डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट जो वैक्यूम से आ रहा होगा। ये लैम्डा वैक्यूम में वेवलेंथ है, कहाँ है वेवलेंथ? वैक्यूम में वेवलेंथ है। अगर मान लो, जैसे अगर मान लो आपने ये फिनोमिना ना आपको ग्लास स्लैब में भी दिखता है, जैसे मान लो व्हाइट लाइट किसी ग्लास स्लैब में हिट करती है, ध्यान से सुनो, तो व्हाइट लाइट जब किसी ग्लास स्लैब में हिट करेगी तो व्हाइट लाइट आई है, अब सब कलर ना अलग अलग पाथ में चले, क्यों? क्योंकि अलग अलग कलर होगा। समझ में आ रहा है क्या? दे हैव अ डिफरेंट एंगल ऑफ, क्योंकि सबके लिए म्यू अलग अलग हो जाएगा। अरे हाँ है ना? अगर तुम ध्यान रखो विबग्योर, VIBGYOR याद है? यस सर, वॉलेट का अगर यहाँ से आ जाते तो वेवलेंथ बढ़ता है, यस सुनो, लैम्डा ऑफ यस आर, लैम्डा ऑफ आर बड़ा होता है लैम्डा ऑफ वी से। हाँ है ना, बोलो ना। तो अगर लैम्डा आर बड़ा रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो वॉयलेट के लिए ज्यादा घुमाव होगा और रेड के लिए घुमाव कम होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसके वजह से लाइट अपने डिफरेंट डिफरेंट कलर में टूट जाएगी, सात कलर में, यस और नो? एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्सन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्सन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
यस और नो? यस सर। तो व्हाई डिस्पर्शन इज टेक प्लेस? बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर है बात? बोलो यस और नो? यस सर। अब होता है क्या, प्रिज्म केस में थिन प्रिज्म ले रहे, कौन सा प्रिज्म ले रहे? थिन प्रिज्म। ध्यान से देखो, मान लो प्रिज्म के केस में अगर डिस्पर्शन सबसे ज्यादा विजिबल होता है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, एक व्हाइट लाइट गिरा यहाँ, यस और नो? अगर व्हाइट लाइट गिरेगा तो सबसे पहले सबसे ज्यादा डेविएशन किसका आएगा? तो सोच के देखो, डेविएशन जो होगा वॉयलेट का वो क्या होगा, म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस वन इंटू ए। दूसरा क्या था, रेड था, इसके बाकी सब कलर तो इसी के बीच में ना, म्यू ऑफ रेड माइनस वन इंटू ए, यही आएगा ना। अब म्यू किसका ज्यादा बताओ, म्यू ऑफ वॉयलेट क्या ज्यादा है म्यू ऑफ रेड से? यस सर, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता ना, तो म्यू उसका कम होगा। अगर वॉयलेट ज्यादा तो सोचो वॉयलेट नीचे बेंड कर जाएगा, ज्यादा डिविएट कर जाएगा, ये एंगल ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये हो गया वॉयलेट कलर। अरे हाँ या ना, बोलो ना, ये हो गया। यस सर, ये हो गया वॉयलेट कलर जो यहाँ से निकलेगा। और रेड कलर किधर से जाएगा, क्या रेड कलर कुछ ऊपर से जाएगा और ये लाइट फिर फाइनली ऐसा कुछ डेविएट होगा? समझ में आ रहा क्या? बोलो दिस इज अ रेड कलर। अरे हाँ या ना, और दिस इज अ मल्टी कलर है। अरे जो भी है, समझ में आ रहा है क्या? बोलो। अरे क्लियर है सर, है ना? बाकी सब रे तो इसी के बीच में आने वाला है, ठीक? तो डेविएशन क्या आएगा, ये आएगा। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो फटाफट, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नो सर, नो डाउट, क्लियर है सर। क्लियर है सर। तो अलग अलग डेविएशन आया, यस और नो? अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और हम लोग डिफाइन करते हैं, मीन डेविएशन। क्या डिफाइन करते हैं? डेल्टा मीन। मीन डेविएशन डिफाइंड होता, ध्यान रखना, मीन डेविएशन डिफाइंड होता येलो कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग? येलो कलर। तो येलो, गामा ऑफ येलो माइनस वन इंटू ए, ये होगा मीन डेविएशन ऑफ द प्रिज्म। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अगर मैं पूछूं कि वॉयलेट का डेविएशन कितना होगा, इतना होगा, रेड का कितना होगा, इतना होगा, बाकी सब इसके बीच में होगा, तो अगर मैं बोलूं कि लाइट का मीन डेविएशन क्या होगा इस प्रिज्म के वजह से, व्हाइट लाइट का मीन डेविएशन क्या होगा, तो जो येलो के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई आएगा, मतलब यंग सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेविएशन होगा वही इस प्रिज्म के वजह से उस व्हाइट लाइट का मीन डेविएशन होगा। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या? यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, अच्छा, येलो के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों लिया सर? विबग्योर देखो, वी आई बी जी वाई ओ आर, सर बीच में तो ग्रीन है, बीच में तो ग्रीन है, तो येलो के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों लिया? येलो के कॉरेस्पॉन्डिंग इसलिए लिया क्योंकि म्यू ऑफ येलो जो होता है म्यू ऑफ आर प्लस म्यू ऑफ वॉलेट का हाफ होता है, इसीलिए येलो को लिया। अरे बोलो। यस सर, आगे। यस, समझ में आया? एक्सपेरिमेंटली म्यू ऑफ येलो क्या आता है, म्यू ऑफ आर प्लस म्यू ऑफ वॉयलेट के हाफ होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? बोलो, ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? अरे हाँ या ना, बोलो ना। यस सर, ठीक। अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? किसी भी प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्सन क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो। एंगुलर डिस्पर्सन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये रे आई, क्योंकि फिर हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, तो पहले एंगुलर डिस्पर्सन समझते हैं। मान लो ये व्हाइट लाइट आया ऐसे, ठीक है, ये बटा दो रे में, नीचे कौन गया? वॉयलेट। अरे हाँ है ना, और ऊपर कौन जाएगा? थोड़ा सा रेड। अरे बोलो ना, यही होगा ना, डेविएशन कम होगा। अगर ये रे नहीं आती तो क्या ये रे ऐसी जाती, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो? अरे हाँ है ना। अब अगर ध्यान से देखोगे तो डेल्टा वॉयलेट कौन सा है, क्या यही है डेल्टा वॉयलेट? क्या ये है डेल्टा वॉयलेट जो हम लिख रहे हैं वहां? डेल्टा वॉयलेट इज इक्वल टू म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस वन इंटू ए, यही तो लिख रहे हैं? बोलो, डेल्टा रेट क्या लिखेंगे? होगा डेल्टा रेट। अरे हाँ है ना, देखो ना डायग्राम में, डेल्टा जो था म्यू आर माइनस वन इंटू ए, यही तो लिखेंगे? तो अगर ध्यान से देखो, क्या डेल्टा वी ज्यादा है क्योंकि म्यू वी ज्यादा है म्यू आर से? अरे हाँ है ना, यस।
इसको बोलते हैं ये जो एंगल बचा ना, कौन सा एंगल? अच्छा डेल्टा मीन क्या आएगा, इसके बीच में आएगा मीन। डेल्टा मीन कहाँ आने वाला है? इसके बीच में, समझ में आ रहा है ना? तो अब ध्यान से देखो, इस एंगल को बोलते हैं ना, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्सिव एंगल ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर डिस्पर्सन। तो ध्यान से देखो, ये हो गया, ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, ये है, यहाँ पे दो रे बना रहा हूं मैं, ठीक। एक रे है वॉयलेट का और एक रे है रेड का, इनके बीच का जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन। और एंगुलर डिस्पर्सन होगा क्या, देखो ध्यान से, क्या मैं डेल्टा वी से डेल्टा आर घटा दूं? Yes. ये आएगा एंगुलर डिस्पर्सन। और ये आने वाला क्या है, फटाफट लिखो, ये क्या आएगा, वैल्यू रखो, ये आएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। क्या यही आएगा? अरे बोलो ना। यस सर, यस सर, यही है। समझ में आया? अब यहाँ पर हम एक टर्म और डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। बस ये छोटा छोटा टर्म है जो कभी मेंस में आ जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला आएगा, इसमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए कैसे निकाला हमने। तो डिस्पर्सिव पावर किसकी बात करेंगे? डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, ठीक। डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ध्यान से सुनना। डिस्पर्सिव पावर जो होता है, बेसिकली ये डायमेंशनलेस नंबर है, ये होता है एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, समझ में आ रहा क्या? एंगुलर डिस्पर्सन क्या आया था, याद है? म्यू वी माइनस म्यू आर माइनस म्यू आर इनटू ए अपॉन ए। और मीन डेविएशन क्या था? म्यू वाई माइनस वन अपॉन ए, है ना, या येलो के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इसको बोलेंगे डिस्पर्सिव पावर, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू येलो माइनस वन। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई, बोलिए। आ गई सर, समझ में? यस। एंड द रे ऑप्टिक्स इज फिनिश्ड। थैंक यू सर। वो टेलीस्कोप वगैरह वो सब नहीं है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स सर, मशीनें। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अपन अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अलग टॉपिक है, इससे इसका लेना सर, नहीं, मेजर पोर्शन सर है इसी में, लेकिन वो लास्ट अलग है सर, वो डिलीटेड है शायद। जेई में कौन कुछ हटाया है उसमें? यस सर, क्या क्या हटाया सर? पता नहीं सर, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। एक मिनट देखो क्या है हमारा जेई सर, आप देख लो एक बार, पता नहीं। रुको एक बार, किसका बोल रहे हो? फिजिक्स का ना? फिजिक्स में तुम्हारा हटा है एक रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एन एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप, बाकी तो है। हाँ सर, रिजॉल्विंग पावर हटा दिया है। टेलीस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। कल इसको पढ़ के खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, माइक्रोस्कोप से सवाल आता है ना ये। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स होगा, इसके बाद वेव ऑप्टिक्स होगा, हाँ ठीक है। मतलब जो भी लास्ट गेट जो भी है। अच्छा लॉजिक गेट बचा बना एक काम करेंगे अगले क्लास में, पहले ये खत्म कर देंगे तुम्हारा क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद हाँ उसके बाद लॉजिक गेट कर देंगे आधा क्लास में, फिर वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देंगे उस क्लास से सर, क्योंकि उसका एक सवाल आ ही जाता है और वो आता है। लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी और बहुत सिंपल भी है। वेव ऑप्टिक्स कितने लेक्चर लेगा? वेव ऑप्टिक्स मान के चलो रे से तो कम ही का होता है, रे से तो कम ही लेगा ना सर, इसमें 8 ले लिए सर, नवा हां 5, आज 8वां लेक्चर था ना इसमें मेन, अभी ये भी तुम्हारा लग जाए ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी तो बचा हुआ है अगले, आज तो सर 9-10 लेक्चर तो 9 लेक्चर लग जाएंगे 10। हां तो रे ऑप्टिक्स मान लो 5-6 लेगा,
वेव ऑप्टिक्स। हाँ सर, क्योंकि वो वैसे भी ज्यादा नहीं है उसमें कुछ। ठीक है बोलो, और कोई डाउट है तो पूछो। सर एक क्वेश्चन डाउट है। बोलो सर, क्वेश्चन पेपर में आया था। बोलो ना सर, वो शेयर किया है ग्रुप पर टॉपर बैच में। एक सेकंड। लेक्चर कितना आज? 9 7 8 8वां लेक्चर। डेट क्या आज? डेट 5 तारीख है सर, कल 4 थी ना। 2023। ठीक है, ग्रुप में डाला है क्या? एक सेकंड देख लेते हैं। कौन सा डाउट वाले ग्रुप में क्या पूछा था कि सर ये रेडियन में होगा या एंगल में भी होगा, तो ऐसे तो दोनों में वैलिड होना चाहिए फार्मूला। कौन सा हमने सर जितने भी पिछले फार्मूला डिस्कस किए वो रेडियन और एंगल दोनों में वैल्यू है ना। कौन सा फार्मूला? जैसे जैसे सर साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। ये म्यू इनटू ये बोल रहे हो? यस सर। तो क्या इसमें क्या दिक्कत है बताओ? सर ये रेडियन और डिग्री दोनों में वैलिड है ना सर, दोनों साइन की वैल्यू तो सेम ही आ रही है। हाँ चाहे रेडियन में रखो चाहे डिग्री में रखो सेम है, बट अगर ये ऐसे लिखते हो तुम फॉर स्मॉल एंगल तो आई आर आर मस्ट बी रेडियन। ओनली करेंगे हम, ये मस्ट बी रेडियन हो जाएगा। यहाँ पे तुम रेडियन डिग्री दोनों में रखो बात बराबर है, बट यहाँ पे रेडियन में रखना होगा। ठीक है हेलो। ये सर अगर रेडियन रखेंगे तो 185 बाय तो कट ही जाएगा, फिर डिग्री में ही आ जाएगा वो भी। हाँ वो अलग बात है, लेकिन ध्यान रखना जब हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा एक नंबर है और ये नंबर के बराबर होता है। साइन 1 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 1 डिग्री, समझ में? साइन 1 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 1 डिग्री या 1, समझ में आ रहा? बट साइन 1 रेडियन इज इक्वल टू 1। क्लियर है? क्लियर है सर। चलो क्या भेजा था, कहाँ भेजा था बताना सर? ड्रॉपर बैच में। ड्रॉपर बैच में एक है, डाउट वाले ग्रुप में डाला है क्या? यस सर। एक सेकंड देख लेते हैं क्या है सवाल। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ वेरियस यही है? यस सर। चलो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 15। An electron from a various excited state of hydrogen atom emit a radiant to come down the ground state. ठीक है? अब बोला है let lambda n and lambda g be the de Broglie wavelength of an electron in the nth state. अच्छा nth state में जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुना, nth state में जो इलेक्ट्रॉन है और जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इसका de Broglie wavelength जो है कितना है? यहाँ पे लैम्डा एन है और यहाँ पे क्या है? लैम्डा जी है। ठीक, इसका मतलब अगर एनथ स्टेट में हमको स्पीड पता होगा तो लैम्डा एनथ लिख सकता हूं मैं, एच बाई एम इंटू वी एनथ, ये लिख सकते हैं डी ब्रोगली से। यस सर। और अगर लैम्डा जी पता होगा तो लैम्डा जी लिखा जा सकता है एम अपॉन वी इंटू जी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है हमको, है ना? ये ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1। ठीक बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? समझ में आया यहाँ तक? नो सर। यस सर। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे पढ़ते क्या लिखा हुआ। आगे लिखा हुआ है ना, एंड लेट an बी द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन इन द ट्रांजिशन फ्रॉम nth टू ग्राउंड स्टेट, है ना? तो वेवलेंथ है an, तो वेवलेंथ है तो hc बाय an, है ना, hc बाय लैम्डा is equal to en minus e1, है ना? या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ हाइड्रोजन एटम है तो सर ये क्यों लिख रहे हो आप, डायरेक्ट लिख दो ना इसका फॉर्मूला, 1 by an लिख देना। बोलो 1 by an is equal to r into 1 by 1 square minus 1 by n square। अरे बोलो ना। यस सर। ठीक है, तो अब पूछा है कि ए एन और लैम्डा एन में क्या रिलेशन आएगा, यही पूछा है तुमसे, ए एन और लैम्डा एन में क्या रिलेशन आएगा।
तो पहले ये बताओ कि अगर वी एन हमको पता है, क्या लैम्डा एन और लैम्डा जी में कोई रिलेशन निकल सकता है? क्या मैं बोल सकता हूँ लैम्डा एन बाई लैम्डा जी इज इक्वल टू वी जी बाई वी एन? अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर। इससे क्या रिलेशन हम निकाल सकते हैं बताओ, इन दोनों इक्वेशन से हमको ए एन को और लैम्डा एन को रिलेट करना है, तो वन बाई एन तो यही आया ना, वन बाई एन तो ये आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई ए एन इज इक्वल टू आर माइनस आर बाई एन स्क्वायर, यही लिख सकते हैं, या मैं इसको एच सी बाई लैम्डा लिख देता हूँ। चलो हटाओ, इसको एच सी बाई लैम्डा लिख देता हूँ, ताकि आर का टर्म हमारे लिए, वहां पे आर नहीं है ना, इसको लिख देते एच सी बाई लैम्डा, दैट इज एच सी बाई ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, अरे यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 13.6, ये था ना, माइनस था प्लस था, प्लस वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन स्क्वायर, ये बनता था ना, बोलो, यही 13.6 डिवाइड बाई एच सी होता था आर जेड स्क्वायर, याद है? अरे हाँ है ना, बोलो ना। अब इन दोनों को रिलेट करना, कैसे रिलेट करेंगे बताओ, इन दोनों को रिलेट करने का कोशिश करो, हो जाएगा रिलेट, कैसे रिलेट करोगे? अगर लैम्डा एन है तो पहले ये लिख दिया तुमने, वेलोसिटी ऑफ एनथ ऑर्बिट क्या होता बताना, तो 2 × 10⁻⁶ 2.18 × 10⁶ z / n हाइड्रोजन एटम है, तो nth ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा ना लैम्डा एन बाय लैम्डा जी इज इक्वल टू वी जी, कितना हो गया वी जी, एन का वैल्यू 1 हो गया 2.6, ये एन के बराबर आ जाएगा, yes, sir. आ जाएगा ना इसका वैल्यू एन के बराबर, अरे हाँ है ना, इसको वैल्यू रखोगे 2.18 तो दोनों में कट जाएगा, और ग्राउंड का मतलब हो गया 1 बाई एन, और यहाँ पे 1 बाई एन, ग्राउंड का एन का वैल्यू 1 हो गया ना, अरे हाँ है ना, बोलो ना, ये आएगा ही आएगा, हो गया ना खत्म काम, हो गया ना, एच सी बाई ए एन इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, ये पूरा हटा दो, 1 बाई एन इज सम कॉन्स्टेंट के इंटू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, एन स्क्वायर की जगह में क्या लिख दे, लैम्डा एन बाय लैम्डा जी का स्क्वायर, यही आएगा, yes, sir. अरे हाँ है ना, अब इसको सिंपलीफाई करो, yes, देखो रिलेशन क्या रहा, क्या रिलेशन आ रहा है, ये इसको सिंपलीफाई करोगे तो लैम्डा जी यहाँ पे यूज हुआ है क्या ज्यादा जगह पे, लैम्डा जी तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है इसके, yes, लैम्डा एन और हाँ एक मिनट रुको, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ बोलो बोलो सर, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं के को नीचे और के के ए एन, हाँ बाकी कांस्टेंट रहेगा ना, वन बाय के ए एन, तो देखो ना बाकी कांस्टेंट, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ए एन जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा एन का स्क्वायर ऊपर जाएगा अपॉन लैम्डा एन स्क्वायर, अरेंज करो सही से, आ जाएगा इससे, करो अरेंज, कितना आ रहा देखो अरेंज करके करो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको मैं पहले सिंपलीफाई कर देता हूँ, ए एन इज इक्वल टू लैम्डा एन स्क्वायर माइनस लैम्डा जी स्क्वायर बाई लैम्डा एन स्क्वायर, यस और नो, बोलो ऐसा लिखेंगे, इसमें किसी को डाउट है बताओ, क्लियर है? नो सर। अब अगर मैं लैम्डा एन स्क्वायर बाई ए एन ऐसा लिख दूं इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे लैम्डा एन स्क्वायर माइनस लैम्डा जी स्क्वायर, के को हटा दिया मैंने, ए कॉन्स्टेंट है ना, कोई भी कॉन्स्टेंट है तो रिलेशन तो यही रहने वाला, अरे हाँ है ना, इसको इधर ले जाओ, लैम्डा जी स्क्वायर हो जाएगा है ना इज इक्वल टू लैम्डा एन स्क्वायर, है ना, आएगा नहीं आएगा बोलो, वन बाई एन का स्क्वायर, समथिंग ऐसा आएगा, कौन सा रिलेशन सही है अब देखो ठीक से, एन को मल्टीप्लाई कर दे क्या थ्रू आउट, तो विच रिलेशन इज करेक्ट, लैम्डा एन और एन के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है सर, हमें ऑप्शन तो पता ही नहीं, ऑप्शन चार दिया हुआ ना, ये हमें थोड़ी पता, आपने लिखी है, अरे तो लैम्डा जी स्क्वायर इनटू एन स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा
एन स्क्वायर इंटू ए एन स्क्वायर माइनस वन, ऐसा बन जाएगा, एन से मल्टीप्लाई कर दिया ये बने, ऐसा बनेगा नहीं बनेगा बन जाएगा इस तरह कुछ बनेगा ना। अब यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, कौन सा आ रहा बताओ? अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं सर देखने में तो कुछ नहीं लग रहा, ऑप्शन तो डी कर रहा है, ऑप्शन डी दिया है कि सही से अरेंज करो आ जाना चाहिए। एक बार रुको मैनेज कर दे रहा हम लोग, कहीं गलत देख लेना एक बार, सही से पुट किया ना HC by AN, एक मिनट रुको रुको रुको, ये सही है ना, ये देख लो, ये एक बार चेक कर लो, लैम्डा एन बाय लैम्डा जी क्या है, लैम्डा एन बाय लैम्डा जी आएगा VG by VN, सही है ये? अरे हाँ yes, ना, जल्दी जल्दी बोलो, और VG का Z by N हो जाएगा, यहाँ पे Z by N, N का वैल्यू 1 है तो ये N के बराबर हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक। अब हमने बोला सर हमको ये चेक करना, तो मैंने बोला ठीक है सर एक काम करो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, एक मिनट इसको अटैच कर दे रहा हूँ मैं, एक सेकंड, मैंने बोला ठीक है सर आप एक काम करो, ये चीज आपको पता है तो यानी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ लैम्डा जी तो फिक्स मान लो, कांस्टेंट मान लो, क्योंकि लैम्डा जी दिया नहीं है ना यहाँ पे, लैम्डा जी का वैल्यू कुछ बोला थोड़ी, लैम्डा का वैल्यू जी वैल्यू बोला है क्या, कुछ नहीं बोला है, चलो ठीक है लैम्डा जी को कांस्टेंट सर उसमें एक कंडीशन और दिया कि n बहुत बहुत बड़ा है, यस सर n बहुत बड़ा है तो उसको यूज कर लो ना, फॉर n लार्ज ab कांस्टेंट, तो अगर n बहुत बड़ा तो ध्यान से फॉर लार्ज n तो 1 बाय an इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, k टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर, यही लिखेंगे और है ना, अगर n बहुत बड़ा फॉर लार्ज n, तो अगर n बहुत बड़ा बहुत बड़ा है तो इसका मतलब लैम्डा n बहुत बड़ा है लैम्डा जी से, यही मतलब है ना, लैम्डा n बहुत बड़ा है लैम्डा जी से, ठीक है ये चीज यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो अब सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा, वन बाई ए एन इज इक्वल टू, ठीक ध्यान से सुनना, के हटाओ ये आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, वन बाई यहाँ पे क्या आएगा बोलो, और लैम्डा एन बाई लैम्डा जी, तो ये आ जाएगा लैम्डा जी का स्क्वायर माइनस लैम्डा एन का स्क्वायर, ठीक। तो वन बाई ए एन इज इक्वल टू के इंटू लैम्डा एन का स्क्वायर माइनस लैम्डा जी का स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा एन का स्क्वायर। अब अगर ये बहुत बड़ा है ये, तो अगर मैं यहाँ से इसको अगर हटा देता हूँ ना लैम्डा जी को, तो ये वन के बराबर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक ऐसा लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो ना, ठीक है क्या, हम इसको थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर सकते, ये लिख दिया मैंने, अब इसको कैसे अरेंज कर सकते, इसी को अरेंज करना है इससे आंसर आना चाहिए, यही वो कहना चाह रहा है, वन बाई ए एन, और यहाँ पर लिखा हमने k टाइम्स ऑफ लैम्डा n स्क्वायर माइनस k टाइम्स ऑफ लैम्डा g का स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा n का स्क्वायर, यही है ना, ठीक यस सर। अब इसका इनवर्स करो तो an आ जाएगा, an इज इक्वल टू लैम्डा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय k टाइम्स ऑफ लैम्डा n स्क्वायर माइनस लैम्डा g के g स्क्वायर, क्या दिया इसका आंसर बताना, तो ऐसे ही कुछ सॉल्व करेंगे इसको, ऑप्शन b बराबर करोगे बड़ा करोगे तो कैसे आएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कैसे आ जाएगा, अरेंज करके देखो फिर अरेंज आना चाहिए ऐसा, तो ऐसा अरेंजमेंट तो नहीं आ रहा ना अपने पास, ये तो कुछ ऐसा इक्वेशन आ रहा है। अब इसको अगर तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे ज्यादा से ज्यादा ए एन के लैम्डा एन स्क्वायर माइनस ए एन के लैम्डा जी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा एन स्क्वायर, ये बनेगा। अब लैम्डा एन स्क्वायर को तुम एक तरफ कर दो ठीक, और के भी निकाल दो तो ये बन जाएगा ए एन माइनस वन ठीक, और यहाँ पे आएगा ए एन के लैम्डा जी स्क्वायर, इस तरह का कुछ बनना चाहिए ये, बोलो समझ में आ रहा है क्या, इसी तरीके से लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन दिया है क्या तुम लोगों को,
यस सर। कहाँ दिया, भेजना तो ग्रुप में डालो, ये ऐसे ही करना होगा, करना तो ऐसे ही होगा, कंफर्म है। अब अरेंज कैसे किया उसने देखे, डालना ग्रुप में। है क्या इसका पेपर का सॉल्यूशन? एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यही तो किया ना इसने। अच्छा एन बहुत बड़ा है तो उसने, एक मिनट, -13.6 वन बाय लैम्डा को इसने लिख दिया। अच्छा पूरा पूरी चेंज किया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उसने ऐसे अरेंज किया। उसने बोला देखो सर, ऐसे लिखा उसने, बता रहा हूँ, उसने बोला आपने वन बाय एन लिखा ना, अपन ने क्या लिखा, अपन ने के टाइम्स ऑफ वन बाय वन स्क्वायर माइनस वन बाय एन स्क्वायर, यही है ना? अरे हाँ यार। yes. Yes, अब ये एन इक्वल टू वन के कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, दिस इज एन इक्वल टू वन के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक। अरे हाँ है ना, बोलो ना, एन इक्वल टू वन के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब सवाल है कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे इन दोनों इक्वेशन को, अगर तुम देखोगे कौन सा इक्वेशन को, ये जो पहला इक्वेशन लिखा है रेड बग का वो तो सही है, दूसरा इक्वेशन क्या बता रहा है, एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट है ना। अरे दूसरा जो इक्वेशन सॉल्यूशन में दिया है, वन बाई ए का वैल्यू लिखा है ना, ई बाई सी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ऊपर देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन तो इन्होंने ये लिख दिया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन इसने लिखा है E इक्वल टू एच सी बाई ए, कैसे E इक्वल टू एच सी बाई ए कैसे है, क्योंकि ये फोटोन का एनर्जी है। अरे हाँ है ना, और इसका वैल्यू इसने लिखा -13.6 बाई एन स्क्वायर, यही लिखा ना इसने। मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? हेलो yes, मगर ये लिखा है, ये कैसे लिखा ये बताओ, ये तो एनर्जी डिफरेंस होगा ना, ये एन से लेकर के एन इक्वल टू वन पे गिरता तो ये एनर्जी डिफरेंस होता ना, ये दैट इज ई एन माइनस ई वन, ये होता ना, ये कैसे लिख दिया ये बताओ। सर वो कांस्टेंट हटा दिया सी लगा के, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी देख लिया, तो यही कांस्टेंट उसने हटाया होगा ना यहाँ से, जो अपन लिख रहे हैं यही कांस्टेंट है ना, वो इन दोनों का प्रोडक्ट, ये यही तो है इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हटा दोगे तो इक्वेशन तो फिर चेंज हो जाएगा ना, बात समझ में आ रहा है क्या? ये तुम एनर्जी डिफरेंस लिख सकते हो एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई ए इज इक्वल टू ई एन माइनस ई वन, ये लिख सकते हो। अरे हाँ है ना? यस सर। और बोलेगा ई वन क्या कांस्टेंट है, तो ठीक है कांस्टेंट है लिख दो, और इसके जगह में ये लिख दे। तो अगर ई वन कांस्टेंट ऐसे अगर वो बात कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया, सिंपल सिंपल आप ऐसा लिख सकते हो, तो वो क्या बोलेगा फिर, अगर वो इसको कांस्टेंट बोल रहा है तो सिंपल सा ये बोल देगा सर कि एच सी बाई ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था कांस्टेंट था, क्या था, अरे ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, यही ना जो वो इक्वेशन लिख रहा, और इसको कांस्टेंट बोल दिया वो, तो ये तो यहीं पे अप्रोक्सीमेशन ले लिया। अब अगर उसको कांस्टेंट बोला फिर उसके बाद क्या किया, वो फिर उसके बाद क्या किया, इन दोनों को डिफरेंस ले लिया वन एंड टू को। अरे हाँ है ना, ये तो कॉम्प्लेक्स कुछ भी कर दिया ना, फिर बाद में लैम्डा इज एन इज ग्रेटर देन ये भी लगा दिया, तो अपन भी तो वैसे ही कर रहे थे, बताओ यहाँ पे कैसे आएगा ये इक्वेशन, ये जो हमने यहाँ पे किया अप्रोक्सीमेशन ये तो यही आएगा ना, ये यहाँ पे आके ऐसे फंसोगे। अरे समझ में आ रहा है क्या सर, यहाँ पे n को सिर्फ रिप्लेस कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा, क्या लिख देंगे n इक्वल टू सर जो हमने निकाला था लैम्डा n अपॉन लैम्डा जी, लैम्डा n अपॉन लैम्डा जी वो तो n के बराबर है, वो यहाँ था लैम्डा n अपॉन लैम्डा जी इक्वल टू n, बोलो इसको किससे रिप्लेस करोगे सर, -13.6 अपॉन n स्क्वायर लिखा था ना हमने, वहां पर सर रिप्लेस कर देते हैं।
तो वो भी आ सकता है, लेकिन ये तुमको थोड़ी पता कि अप्रोक्सीमेट कुछ भी अप्रोक्सीमेशन करके कुछ भी थोड़ी ले आओगे। ये तो ठीक है इसने अप्रोक्सीमेशन किया है ये, लेकिन हर कोई ये अप्रोक्सीमेशन करते ये कैसे बता सकते हो तुम? कोई तो ये भी तो ला सकता ना रिलेशन। मेरे को ये बताओ इसमें क्या गलती है, पहले ये बताओ, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन तो कई तरीके से किया जा सकता है, और अगर अलग अलग अप्रोक्सीमेशन देखो तो आंसर तो अलग अलग आएगा। फिर बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे कि मैंने ये ऐसे किया रेंज, कोई दूसरे तरीके जैसे इसने अप्रोक्सीमेशन किया तो अप्रोक्सीमेशन का आंसर तो अलग अलग हो जाएगा ना, फिर आप एक ही रिजल्ट पे थोड़ी पहुंच पा रहे हो। अरे हाँ या ना, बोलो ना। तो मैं क्लियरली इसका रिलेशन नहीं बता सकता, मैं कुछ ऐसा ला कर छोड़ूंगा इतना आसानी से। अब ये बोले कि सर इसको ऐसे लिख दो और इसको ऐसे लिख दो, और एन बहुत बड़ा इसलिए ऐसा ले ले रहे, एन बहुत बड़ा सिंपल सा इतना मतलब होगा कि लैम्डा जी से ये होगा। अब अगर ऐसा कुछ होता तुम अरेंज करके देखो तो इससे आना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज इसको तुम करेक्ट नहीं मान सकते हो। जैसे तैसे करके कनेक्ट कर दे आप कुछ भी, मतलब अप्रोक्सीमेशन गलत नहीं है, बट अप्रोक्सीमेशन से आंसर डिफरेंट आ जाएगा ना। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दूसरा अप्रोक्सीमेशन यूज करेगा, कोई दूसरा किसी को नेग्लेक्ट करेगा, कोई नहीं करेगा, तो आंसर तो अलग अलग आ जाएगा सबका। अरे हाँ या ना, बोलो ना। तो ये कोई सही तरीका नहीं बोल सकते इसको कि ऐसे करके सॉल्व करके हम रिलेट कर दे। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हेलो, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कि देखो यहाँ तक तो बात सही था, ये भी बात सही था और ये भी बात सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने आगे जो बात बोला उसमें ये लिखते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा ये लिखते हैं और इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। अब इससे जो रिलेशन आता वो हमारा आंसर होता। अब उसने और अप्रोक्सीमेशन करके ऐसा कर दिया कि वो हमेशा इस टर्म में पहुंच जाए, तो इतना आसान नहीं है ये बोल पाना, और हर कोई कर ले ये हो ही नहीं सकता, मतलब हर कोई उसी आंसर पे अप्रोक्सीमेशन पे पहुंच जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये क्वेश्चन ज्यादा सही नहीं है, इसलिए ज्यादा सही नहीं है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन इसने करके यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि वो चाहता ही आंसर लाना। तो अप्रोक्सीमेशन कुछ भी कर दो, जैसे मैंने अप्रोक्सीमेशन किया तो मेरा तो आंसर अलग आ रहा, तो तुमको थोड़ी पता कि कौन सा अप्रोक्सीमेशन करना है, ये थोड़ी तुम पहले जान पाओगे। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा, है ना? This is not the, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन से डिफरेंट आंसर पे रीच कर सकता कोई, मतलब जो सॉल्व कर रहा होगा इसको। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो इस तरह के सवाल को ज्यादा नहीं अटेम्प्ट करो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है इस तरह के सवाल के लिए। इम्पोर्टेंट आपको है कि बाकी सब कैलकुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा, ये फालतू का फंसाएगा आपको, टाइम वेस्ट करवाएगा, ठीक है? चलो सर, एक और क्वेश्चन था सर उसने। हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन सा क्वेश्चन? को सर क्वांटाइज्ड कर दिया है। कौन सा बोलो ना, क्वेश्चन नंबर ऊपर ही था सर, 13 या 12। क्या क्वेश्चन, क्या था बताओ, क्वेश्चन बोलो ना। देखो रोटेशनल को क्वांटाइज किया जा सकता है, क्योंकि रोटेशनल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो फिक्स एक्सिस रोटेशन कर रहा है, तो आई ओमेगा होगा इसका एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एनएच बाय 2 पाई, ये गलत नहीं है, सही है। एंगुलर मोमेंटम होता है ना एमवीआर, अरे हाँ है ना, बी को लिख देते हैं ओमेगा इनटू आर, तो हो गया ना एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू एनएच बाय 2 पाई, यही तो लिखते थे। ये गलत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रोटेशनल मोशन कर रहा है तो कर सकते हैं ऐसा, ठीक है? यस सर। चलो गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें आगे। यस सर। चलो फिर गुड नाइट एवरीवन, और ये मैं शेयर करता हूँ आप लोग।